वेलकम टू सोशल। शाहिद कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो आज भी अपने कैरेक्टर से ऑडियंस को बिल्कुल हैरान कर देते हैं। शाहिद की शुरुआत तो रोमांटिक फिल्म से हुई थी, पर ओवर द इयर्स शाहिद की फिल्म चॉइसेस और कैरेक्टर्स बदलते रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हर फिल्म से एक अलग एंटिसिपेशन बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको शाहिद की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर वन, शाहिद का बर्थ न्यू दिल्ली में हुआ, जहां उनके फादर पंकज कपूर तब एक थिएटर आर्टिस्ट थे और उनकी मदर नीलिमा अजीम एक प्रोफेशनल कथक डांसर। शाहिद जब महज 3 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और शाहिद अपनी मदर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ न्यू दिल्ली में ही रहने लगे। शाहिद के ग्रैंड पेरेंट्स जर्नलिस्ट थे जो एक रशियन मैगजीन के लिए काम करते थे, पर शाहिद जब 10 साल के थे तो उनकी मदर एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई और उसके बाद से ही शाहिद मुंबई में रहे। 1988 में शाहिद के फादर पंकज कपूर ने सुप्रिया पाठक से शादी कर ली थी और 1990 में उनकी मदर ने राजेश खट्टर से, जिसके बाद उनके स्टेप ब्रदर ईशान खट्टर का बर्थ हुआ। नंबर टू, शाहिद की फैमिली में एडजस्टमेंट्स के कारण उन्हें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी उनकी लाइफ स्टेबल नहीं रही। शाहिद बचपन में बहुत गुस्सा किया करते थे और उनका कहना है कि कॉलेज लाइफ तक उन्होंने कोई खास दोस्त भी नहीं बनाए। शाहिद अपने फादर पंकज कपूर से बहुत क्लोज थे और उनके फादर ने दोबारा शादी करने के बाद भी शाहिद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और शाहिद का कहना है कि अपनी मदर से ज्यादा वो अपने फादर से क्लोज रहे हैं। नंबर थ्री, शाहिद को रंग दे बसंती में सिद्धार्थ का रोल ऑफर किया गया था और उन्हें ये कैरेक्टर बहुत पसंद भी आया था, पर डेट्स ना होने के कारण उन्हें इस फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ा। शाहिद आज भी रंग दे बसंती को बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में गिनते हैं और उन्हें हमेशा रिग्रेट रहेगा कि वो इस फिल्म का पार्ट नहीं बन पाए। नंबर फोर, फिल्म जब वी मेट में पहले बॉबी देओल को लिया जाने वाला था, पर बॉबी ऑलरेडी उन दिनों कई फिल्म्स करने में बिजी थे, तो 2 सालों तक ये फिल्म बन ही नहीं पाई। फिर जब फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली की मुलाकात शाहिद से हुई और उन्होंने जब वी मेट के बारे में बात की, तो शाहिद को ये फिल्म बहुत पसंद आई। इम्तियाज बाकी एक्टर्स के पास भी इस फिल्म को लेकर गए थे, पर कोई भी उनकी फिल्म को करना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें फीमेल लीड कैरेक्टर मेल लीड से ज़्यादा दिखने वाला था। शाहिद ने इस फिल्म की स्टोरी या अपने कैरेक्टर को लेके कोई चेंजेस डिमांड नहीं किए और इम्तियाज की फिल्म को करना सही समझा। और फिर सभी जानते हैं कि जब वी मेट बॉक्स ऑफिस पर कितनी सक्सेसफुल रही और शाहिद की परफॉर्मेंस को सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। नंबर फाइव, शाहिद ने 15 साल की उम्र से ही शामक दावर की डांस क्लासेस ज्वाइन की, जहां कुछ मंथ्स बाद ही उन्हें ग्रुप के सबसे अच्छे डांसर्स में गिना जाने लगा। शाहिद उन दिनों फिल्म के बैकग्राउंड डांसर्स में से एक थे, जो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। शाहिद को ताल और दिल तो पागल है के बैकग्राउंड डांसर्स में भी देखा गया है और उन दिनों शाहिद दिन के 15-15 घंटे तक डांस किया करते थे। शाहिद ने बताया कि 2 साल बाद उन्होंने अपने पैसों से एक बाइक भी खरीदी, जो उनका हमेशा से एक गोल था। ऐसे ही एक दिन अपनी बाइक पे शाहिद अपने फ्रेंड को एक एड ऑडिशन में ड्रॉप करने गए और वहां उन्हें भी ऑडिशन देने को कहा गया और बाय लक उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया। शाहिद इस पेप्सी के एड में रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और काजोल के साथ नजर आए। नंबर सिक्स, पेप्सी कमर्शियल की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने शाहिद को एडवाइस किया कि तुम एक एक्टर बन सकते हो, पर शाहिद को अपनी लीन फिजिक को लेके बहुत डाउट्स थे, इसलिए उन्होंने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं। शाहरुख ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम्हारी एज में मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे लीन था, तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो, तुम एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर हो और मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर में एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हो। शाहरुख की इस बात ने शाहिद को एक्टिंग के लिए इंस्पायर किया और डांस ऑडिशंस के अलावा शाहिद अब एक्टिंग ऑडिशंस भी देने लगे, जहां 100 से भी ज्यादा ऑडिशंस देने के बाद उन्हें इश्क विश्क फिल्म में कास्ट किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेसफुल रही। शाहिद के लुक्स, डांस और उनके कैरेक्टर को यंग ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और वहीं से उनका फैन बेस बनना शुरू हो गया। नंबर सेवन, शाहिद को जब विशाल भारद्वाज ने कमीने ऑफर की तो शाहिद बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले उन्हें किसी ने ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी डार्क फिल्म ऑफर नहीं की थी। उस वक्त शाहिद को अपनी एक्टिंग को लेकर कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसे कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकते हैं। विशाल को शाहिद की जब वी मेट में एक्टिंग काफी पसंद आई थी, जिसे देख के उन्हें लगा कि शाहिद एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, पर सभी उन्हें उनके लुक्स और डांसिंग स्किल्स को देख के फिल्म्स ऑफर कर रहे थे। विशाल ने शाहिद को कमीने में डबल रोल ऑफर किया और शाहिद के लिए इस कैरेक्टर को प्ले करना उस वक्त अपने करियर
उनका सबसे चैलेंजिंग टास्क था, जहां उनका एक कैरेक्टर गुड्डू हकला के बात करता था और एक कैरेक्टर चार्ली सा को फा बोलता था। शाहिद ने दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किए और उसके बाद से शाहिद को उनके सीरियस रोल्स के लिए भी जाना जाने लगा। शाहिद का कहना है कि कमीने के बाद से ही उन्हें नॉन मेनस्ट्रीम कैरेक्टर्स करने में इंटरेस्ट आने लगा, जहां उन्हें हैदर, उड़ता पंजाब और कबीर सिंह में बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स में देखा गया। नंबर 8, फिल्म हैदर के लिए शाहिद ने कभी कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं की थी। शाहिद और विशाल भारद्वाज ने फिल्म की स्क्रिप्टिंग करते हुए रियलाइज किया कि हैदर का बजट उनकी पिछली फिल्म से ज्यादा होगा और कश्मीर में शूट करना अपने आप में ही एक चैलेंज रहेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफी ज्यादा खर्चा आ सकता है। इसी बात को समझते हुए शाहिद ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म के लिए कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं करेंगे और ना ही इसके बारे में वो अपने को एक्टर्स को बताएंगे। शाहिद ने इस फिल्म में अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिसके लिए शाहिद ने अपना हेड भी शेव किया। शाहिद का मानना है कि उस टाइम पे ऐसा कैरेक्टर कोई भी मेनस्ट्रीम एक्टर करने को तैयार नहीं था और अगर हैदर आज के टाइम में रिलीज की जाती तो वो बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा सक्सेसफुल होती। नंबर 9, फिल्म मौसम में जहां शाहिद एक एयरफोर्स पायलट के कैरेक्टर में दिखे, उस कैरेक्टर के लिए शाहिद को इंडियन एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट भी उड़ाने का मौका मिला। शाहिद पहले बॉलीवुड एक्टर थे जिन्हें F-16 में शूट करने दिया गया। शाहिद ने ये प्लेन इंडियन एयरफोर्स के पायलट के साथ को पायलट किया था, जिससे उन्हें अपने फाइटर पायलट के कैरेक्टर को समझने में बहुत मदद मिली। नंबर 10, मौसम शाहिद के लिए कई मायने में एक इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, जहां उन्होंने पहली बार अपने फादर के साथ काम किया, जो मौसम से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। शाहिद की फिल्म्स यूजुअली 1-2 महीने में खत्म हो जाती हैं, पर मौसम के लिए शाहिद ने 6 महीने का टाइम दिया, पर उसमें भी प्रोडक्शन डिलेज के कारण फिल्म का शूटिंग स्केड्यूल डिले होता रहा और फिल्म को बनने में लगभग 2 साल लग गए। मौसम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और शाहिद के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसी बीच उन्हें मीरा नायर की डायरेक्टेड हॉलीवुड फिल्म द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी ऑफर की गई, पर शाहिद उस वक्त कोई फिल्म करने के जोन में नहीं थे। शाहिद ने बताया कि मौसम के फ्लॉप होने के बाद मैंने 6 महीने तक कोई फिल्म साइन नहीं की और मेरा मूड फिल्म्स में बिल्कुल भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर एक नई जैगुआर गाड़ी भी खरीद डाली, पर फिर भी मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुई। मौसम के फेलियर से शाहिद ने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से वो किसी भी फिल्म को इतना लंबा टाइम नहीं देंगे जितना उन्होंने मौसम को दिया। नंबर 11, बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद को एक वक्त फिल्म रॉकस्टार भी ऑफर की गई थी। हुआ यूं कि 2007 में जब इम्तियाज ने शाहिद को जब वी मेट की स्टोरी सुनाई, तो साथ ही साथ उन्होंने रॉकस्टार की स्टोरी भी उन्हें सुनाई थी और शाहिद को कहा था कि दोनों में से जो भी फिल्म तुम करना चाहते हो मैं वही फिल्म डायरेक्ट करूंगा। शाहिद ने जब वी मेट को करना सही समझा और रॉकस्टार को फिर 4 साल बाद रणबीर के साथ बनाया गया। शाहिद को एक रॉकस्टार के कैरेक्टर में देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता, क्योंकि उड़ता पंजाब में भी उनके टॉमी सिंह कैरेक्टर को सबने बहुत पसंद किया था। नंबर 12, शाहिद के करियर में कुछ ऐसी फिल्म्स भी रही हैं जिन्हें साइन करना वो आज तक रिग्रेट करते हैं। फिल्म शानदार शाहिद को खुद भी पसंद नहीं आई थी और जब उन्होंने पूरी फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि फिल्म में कोई मेन प्लॉट तो है ही नहीं और पूरी फिल्म बहुत ही बोरिंग वाइब देती है। ऐसे ही उन्हें चुप चुपके में अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। शाहिद मानते हैं कि ये फिल्म एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर थी जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं, पर अपने कैरेक्टर को देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि इस रोल को तो कोई भी कर सकता था। शाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अगर इस फिल्म में नहीं भी होता तो भी ये फिल्म लोगों को उतनी ही पसंद आती। इसके अलावा शाहिद को वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म को देख के बहुत रिग्रेट होता है कि उन्होंने ऐसी फिल्म को साइन किया। शाहिद ने कहा कि जब उन्हें फिल्म ऑफर की गई थी तो उन्हें कहा गया था कि लाइफ हो तो ऐसी को इंडिया की बिगेस्ट एडवेंचर फिल्म के तौर पर बनाया जाएगा, पर जब फिल्म का फाइनल रिजल्ट देखा गया तो शाहिद को फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नंबर 13, उत्तराखंड में फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग के दौरान शाहिद एक बहुत ही नॉर्मल से होटल में रहे थे, जहां कोई जिम फैसिलिटीज भी नहीं थी। शाहिद ने होटल में अपने जिम इक्विपमेंट्स मंगाए और खुद का ही एक छोटा सा जिम बना दिया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक शाहिद उसी होटल में रहे और शाहिद को वहां के लोग बहुत पसंद आए, इसलिए जब शाहिद की शूटिंग खत्म हुई और उन्हें होटल छोड़ के वापस जाना था तो होटल स्टाफ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि शाहिद अपने कुछ जिम इक्विपमेंट्स होटल में ही रहने दें, पर शाहिद को वहां की हॉस्पिटैलिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना सारा जिम का सेटअप वहीं छोड़ दिया। नंबर 14, फिल्म पद्मावत में जहां शाहिद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए, वहीं न्यूज रिपोर्ट्स आई कि दोनों एक्टर्स में शूटिंग के वक्त कोल्ड वॉर रहा। शाहिद ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि फिल्म के सेट्स पे उन्हें एक आउटसाइडर की तरह फील हुआ, क्योंकि रणवीर और दीपिका संजय लीला भंसाली के साथ ऑलरेडी 2 फिल्म्स कर चुके थे। फिर प्रमोशंस के दौरान भी शाहिद ने कहा कि अगर मुझे खिलजी का रोल दिया जाता तो मैं उस कैरेक्टर को रणवीर से बहुत डिफरेंटली अप्रोच करता। शाहिद और रणवीर का कोल्ड वॉर कई साल पुराना है, जहां रणवीर ने अपने शुरुआती दिनों में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें कमीने में शाहिद का रोल ऑफर किया जाता तो वो उनसे बेटर परफॉर्म करके दिखाते।
शाहिद और रणवीर आज भी एक साथ ज्यादा कंफर्टेबल तो नजर नहीं आते हैं, पर माना जाता है कि दोनों एक्टर्स ने अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लिया है। जहां रणवीर ने खुद माना कि पहले मैं बहुत एरोगेंट हो गया था और उन्हें शाहिद की परफॉर्मेंस को लेकर ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वहीं शाहिद ने भी रिसेंटली कहा कि अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो वो दोबारा रणवीर के साथ काम करना पसंद करेंगे। नंबर 15, शाहिद ने जब मीरा से शादी की तो दोनों के एज कैप डिफरेंस के बारे में बहुत बात की गई। 2015 में जब दोनों की शादी हुई तो शाहिद की एज 34 थी और मीरा की सिर्फ 21। दोनों की लव स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां शाहिद एक्ट्रेसेस को डेट करके तंग आ चुके थे और कई सालों तक वो सिंगल ही रहे। फिर एक हाउस पार्टी में शाहिद और मीरा की मुलाकात हुई और मीरा ने शाहिद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया। शाहिद इसकी वजह से बहुत कंफर्टेबली उनसे बात करने लगे और पहली मीटिंग में ही उन्हें लगने लगा कि मैं शायद इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। कुछ मीटिंग्स बाद शाहिद को क्लियर हो गया कि मीरा उनके लिए बहुत स्पेशल है और उनसे मिलकर उन्हें बहुत अलग फील होता है। शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उनकी और मीरा की एज को लेकर डाउट्स तो थे, पर मीरा अपनी यंग एज में भी बहुत मैच्योर थी और शाहिद को अच्छी तरह समझ पाती थी, इसलिए शाहिद ने बिना डिले किए मीरा से शादी कर ली और आज भी दोनों एक साथ बहुत कंपैटिबल नजर आते हैं। शाहिद से जब उनकी लाइफ की सबसे स्पेशल मोमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीरा से शादी करना और अपनी डॉटर मीशा का बर्थ उनके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट है। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।